एक रामपुर नाम का गांव था। उस गांव में सभी पक्षी अपने अपने घरों में सुकून से रह रहे होते हैं। कुछ पक्षी खुले आसमान में स्वतंत्र उड़ रहे थे। एक चूनू नाम की चिड़िया थी। वो यह जबरदस्त नज़ारा देखकर काफी ज्यादा खुश थी। तभी चूनू चिड़िया के घर के पास एक राजू नाम का पक्षी काफी ऊंचाई से गिर के जमीन पर पड़ जाता है। तभी सारे पक्षी नीचे उतरकर उसके पास आ जाते हैं। चूनू चिड़िया भी अपने पेड़ से नीचे उतरकर नीचे आ जाती है। राजू नाम का पक्षी जमीन पर गिरे गिरे काफी तड़फ रहा होता है। चूनू चिड़िया उसे अपने घर से पानी लेकर पिलाती है और उसे पूछती है कि उसकी यह हालत किसने की। वो दर्द के मारे तड़फ रहा होता है, फिर भी वो बड़ी हिम्मत जुटा के बताता है कि उसकी यह हालत एक दुष्ट बाज ने की। उसने बताया कि वो आसमान में उड़ते उड़ते काफी ऊंचाई पर चला गया। वहाँ पर एक बड़ा बाज आया। उसने काफी देर तक मेरा पीछा किया। वो मेरा शिकार करने आया था, लेकिन मैंने उसे बहुत देर तक चकमा दिया, लेकिन उसने मुझ पर घात लगाकर अपने मजबूत नकीले पंजों से वार किया और मैं नीचे जमीन पर गिर गया। इतना कहकर उस राजू नाम के पक्षी ने दम तोड़ दिया। उसकी यह बात सुनकर टूनू चिड़िया और बाकी पक्षी आग बबूला हो गए। सबने मिलकर उस दुष्ट बाज को सबक सिखाने की ठान ली। चिड़िया उड़कर अपने घर में चली गई। वहाँ पर एक दूसरी सहेली चिड़िया आई। टूनू चिड़िया ने सारी घटना अपने सहेली को बता दी। तभी उसकी सहेली उसे अपने दोस्त रामू कौवा भाई के पास ले जाती है। दोनों मिलकर सभी घटना उस कौवे को बताती है। तभी कौवा उन दोनों के साथ मिलकर उस बाज को मारने का प्लान बनाता है। तीनों मिलकर एक हाथी के पास जाते हैं और उसे पूरी घटना बताते हैं। तभी हाथी भाई उस कौवे को सबक सिखाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरा दिन निकलता है। कौवा टूनू चिड़िया उसकी सहेली चिड़िया एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। कौवा उड़कर काफी दूर उस बाज को मिलने जाता है। कौवा उसके घर पर पहुंचकर उसे निमंत्रण देता है और कहता है कि वो उस बाज को अपना गुरु मानता है और उसे आज अपने घर खाने को बुलाता है और खाने में उसे सुंदर चिड़िया देने की बात करता है। उस बाज के मुंह में पानी आ जाता है। वो तुरंत उस कौवे का निमंत्रण स्वीकार कर लेता है और उस कौवे के साथ बाज निकल जाता है। काफी दूरी की यात्रा तय करके दोनों तय किए हुए स्थान पर पहुंचते हैं। तभी प्लान के मुताबिक हाथी भाई इस दुष्ट बाज को अपने सूंड में उठाकर पटक देता है। तड़फ तड़फ कर उसकी मौत हो जाती है। इस तरह उस हाथी ने सभी पक्षियों को उस दुष्ट शिकारी बाज से मुक्ति दिलाई।